तो अब एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे फ्री एनर्जी का। ये इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ये बेसिकली जैसे हमारे फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन में गिब्स की फ्री एनर्जी होती है। जैसे हमने कहा था कि एक स्टोन अगर ऊपर से गिरे तो वो नीचे आता है, उसकी टेंडेंसी होती है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि इसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी जब डिक्रीज होती है तभी रिएक्शन होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, इसी तरह से अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो तभी ही प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस बनता है। डेल्टा इसको हम डिनोट करते हैं जी से, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जरूरी तो है नहीं कि ये गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव हो या हमेशा पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। तो इसके तीन केसेस बनते हैं, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो। तो तीनों केसेस का मतलब समझते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इसी तरह से अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, नॉन फिजिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी जीरो आती है तो इट रिप्रेजेंट्स कि प्रोसेस जिस स्पॉन्टेनिटी के साथ आगे जा सकता है उसी स्पॉन्टेनिटी के साथ पीछे आ सकता है, तो इट रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव में स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड प्रोसेस, और अगर ये गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज पॉजिटिव हो जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्दो नॉन पॉजिटिव है बट बैकवर्ड रिएक्शन टोटली पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस मानी जाएगी। और अगर ये जीरो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल अमाउंट में स्पॉन्टेनियस होते हैं और ये पोजीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। अब गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ये सारे फैक्टर्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेल्टा एच इज नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, अब हम गिब्स फ्री एनर्जी का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे। मतलब हमने क्या देखा अभी तक कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हम अब अलग अलग केसेस देखते हैं जरा कि डेल्टा एच और डेल्टा एस पे इसकी क्या डिपेंडेंस होगी। जैसे अगर डेल्टा एच हम नेगेटिव लें, नेगेटिव कब होगा डेल्टा एच, जब वो हीट लॉस कर रहा है क्योंकि सिस्टम को अब लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए भी नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव कब होगा, जब ये एक्सोथर्मिक होगा, तो इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इस केस में मान लो एक बार डेल्टा एस हम नेगेटिव लेते हैं, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ये टर्म पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इस पूरी टर्म का ये टर्म पॉजिटिव हो गई और ये टर्म नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब ये चीज़ तो इसको सपोर्ट कर रही है डेल्टा जी को नेगेटिव होने में, बट ये उसको अपोज कर रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज, अगर ये टेम्परेचर लो है तो ये हो जाएगी नेगेटिव एट, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, एट लो टेम्परेचर, जब ये वाला फैक्टर ज़्यादा बड़ा ना हो तभी ये नेगेटिव हो पाएगा ना डेल्टा जी। और अगर पॉजिटिव होना है इसे तो एट हाई टेम्परेचर, अगर आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाना है और रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, अगर वो लो टेम्परेचर है तो रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कम टेम्परेचर पे कैरी आउट करना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे डेल्टा एच को नेगेटिव रखें और डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए तब तो बेस्ट कंडीशन है,
एक एक्सोथर्मिक के लिए इससे बढ़िया कंडीशन नहीं हो सकती, क्यों? डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और वो भी नेगेटिव, तो जो मर्जी टेम्परेचर रखे हम ये वाली एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगी ही होगी, तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर्स, तो ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगी। ठीक है, अब इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, एक केस लेते हैं जब डेल्टा एस नेगेटिव है, तो जब डेल्टा एच पॉजिटिव है रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये वाला फैक्टर जो है पॉजिटिव है, और डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर पॉजिटिव होने की वजह से डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, टेम्परेचर आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि टेम्परेचर कैन नॉट गो लेस देन जीरो, क्योंकि केल्विन स्केल पे हमेशा टेम्परेचर पॉजिटिव रहता है, तो हमें ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगी ये वाली रिएक्शन, हमेशा नॉन फिजिबल रहेगी। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि इसको तो पॉजिटिव रखें, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही दूसरा केस लें जिसमें कि डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी वाला फैक्टर तो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये फैक्टर नेगेटिव है, बट जो डेल्टा एच वाला फैक्टर है ये इसको अपोज कर रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसके केस में क्या, इसके केस में हम क्या कहेंगे कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा, कब डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए इसको बड़ा होना पड़ेगा जो नेगेटिव वाला फैक्टर है, तो हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, और वहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर हम कहें कि डेल्टा जी को भाई पॉजिटिव करना है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, एट लो टेम्परेचर, जहाँ पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब ये पॉजिटिव क्यों हुआ डेल्टा जी, क्योंकि जो इसमें ये पॉजिटिव वाला पार्ट था ये डोमिनेट कर गया और ये वाला सप्रेस हो गया, टी डेल्टा एस वाला पार्ट, तो दैट इज वाई यहाँ पे रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि उसे हीट चाहिए और हीट मिलेगी उसे हाई टेम्परेचर पे, तो दैट इज वाई ये वाली ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी चाहिए। अब हम देखें, ये तो हो गई स्पॉन्टेनिटी की बात, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे हमने बात कर ली थी कि डेल्टा जी जीरो होगा, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब बस ये है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक छोटा सा रिलेशन जो शायद आपने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, पहली चीज तो वहां पे हम ये यूज करते थे कि डेल्टा जी जीरो है, जो अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी इक्वलाइज हो जाती है, और जो रिलेशन जो है वो ये है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो वहां पे हम रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट को क्यू लिखते थे कि क्यू अगर छोटा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी, अगर क्यू छोटा है के से, और अगर क्यू बड़ा है के से तो बैकवर्ड आएगी, और क्यू और के इक्वल है, के इक्विलिब्रियम तो दोनों इक्वल, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप है, तो इस ये वही चीज़ है, यह रिएक्शन क्वेश्चन। और डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है उस कंडीशन पे जो उसका फ्री एनर्जी का चेंज है, और डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं 298 केल्विन का टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं जिसपे ये मेरे जिसपे डेल्टा जी नॉट प्रिवेलेंट होता है, और किसी और कंडीशन पे मुझे रिलेशन चाहिए हो तो मैं डेल्टा इस वाले रिलेशन को यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जाम